अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के 5 साल पूरे होने पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि आज बहुत पावन दिन है, 370 समाप्त हुए 5 साल पूरे हो चुके हैं, कश्मीर तरक्की के रास्ते पर बढ़ रहा है, वहां शांति है, कश्मीर के बच्चे अब नया भविष्य देखते हैं, आज वहां एम्स भी है, तरक्की भी है, आईटी भी है और करोड़ों की संख्या में पर्यटक भी हैं। कश्मीर इस देश का मुकुट है और धारा 370 समाप्त होने के बाद आज देश और दुनिया कश्मीर के विकास पर गर्व करती है। बता दें कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के अस्तित्व को खत्म करते हुए राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था, दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। सरकार का कहना है कि अनुच्छेद 370 कश्मीर में विकास और सुरक्षा के रास्ते में बाधक बन रहा था, इसलिए यह फैसला लेना जरूरी था। आज का दिन बहुत ही पावन दिन है, 370 समाप्त हुआ, 5 साल पूरे हो गए, कश्मीर तरक्की के रास्ते पर बढ़ रहा है, वहां शांति है, वहां तिरंगा लहराता है, कश्मीर के बच्चे अब नया भविष्य देखते हैं, ढेला फेंकने वाले शांत हो गए, ढेला फेंकवाने वाले जेल के अंदर हैं, वो हार रहे हैं बार बार, जो पाकिस्तान से शह करते हैं उनके गिनती के दिन रहते हैं। तो आज वहां एम्स भी है, वहां तरक्की भी है, वहां आईटी भी है, करोड़ों की संख्या में टूरिस्ट भी है, तो कश्मीर इस देश का मुकुट है और आज 370 समाप्त होने के बाद पूरा देश क्या पूरी दुनिया कश्मीर के विकास पर गर्व करती है। हमें बहुत संतोष है कि 5 साल गुजर गए और वो लोग कहां हैं भारत में जो रोज रोज आशंका कश्मीर में आग लग जाएगी, देश टूट जाएगा। 5 साल का तो उनके भी कुछ पूछने की जरूरत है जो जेएनयू के आसपास घूमते हैं, अच्छा उनका मिजाज कैसा है। आज का दिन बहुत ही पावन दिन है।